चलो आज कुछ नया सीखते हैं। ये बाइक का ओरनो या कार का ओरनो, कोई ओरनो, इसको घर पे कैसे रिपेयर करते हैं। साथ में इसमें आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है। ये ओरन बजता है तो कौन से सिद्धांत पे बजता है, उसकी सारी मैं डिटेल आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप वीडियो ध्यान से देखना। तो अपने क्या करते हैं, पहले ये दो पॉइंट होते हैं, ये दोनों ओरन सही है। वैसे चेक करने का तरीका ये होता है, अगर मल्टीमीटर है तो आपके पास इन दोनों पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है कि आपकी, इसको आपको कर देना है कंटिन्यूटी मोड पे। कंटिन्यूटी मोड पे करने के बाद आपको यहाँ कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब ये कंटिन्यूटी आ रही है मल्टीमीटर में, मैं इस ओरन पे कंटिन्यूटी चेक करता हूँ तो इस पर भी कंटिन्यूटी दिखा रहा है, तो इसका मतलब ओरन ये सही है। इसका ये ट्यूनिंग पॉइंट होता है इसमें ये बंद है, बिल्कुल सील है, चारों ओर से इसको सील किया होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें पेच लगे होते हैं, पेच खोल के अपने रिपेयर कर सकते हैं। आज मैं दोनों का ही बताऊंगा, आप आसान तरीके से कैसे घर पे रिपेयर कर सकते हो। दोनों ओरन सही है। अभी मैं बैटरी का कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। ये आवाज़ आ रही है आपको, इसकी ट्यूनिंग थोड़ी सी सही करने वाली है, अपने आप ये सही हो जाएगा। थोड़ी सी ट्यूनिंग सही करोगे तो ऑटोमेटिक आवाज़ इसकी सही हो जाएगी। आवाज़ इसकी यहाँ से आप बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ, इसके अंदर क्या है, कैसे काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, वो सारी चीज़ें आपको अभी मैं बताता हूँ। इसके ऊपर ये कवर है, कवर में यहाँ गैस्केट लगा होता है इस साइड में, और इसको यहाँ से ऊपर उठा लेना इस तरह का। ये डायफ्राम है, इसको डायफ्राम बोलते हैं। ये इसका प्लंजर है, इसके बारे में मैं डिटेल अभी बताऊंगा आपको। और ये अंदर का इसका पार्ट है। अब अंदर का पार्ट मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ समझा देता हूँ। ये नीचे की तरफ यहाँ पर क्वाइल होती है, इसके क्वाइल का यहाँ तार का लपेटे लगे होते हैं, क्वाइल है उसका एक सिरा यहाँ आके नीचे दिख रहा है, इस पॉइंट पे टच होता है, और ये पॉइंट अपना ऊपर जाके इस पे यहाँ पे टच होता है। और दूसरा सिरा यहाँ पे एक नीचे आपको पत्ती दिख रही होगी, ये पत्ती, इस पत्ती के ऊपर आके ये टच होता है, क्वाइल का दूसरा सिरा यहाँ पे आके नीचे टच होता है। और इस नीचे वाली पत्ती से यहाँ दो पॉइंट बने होते हैं, गौर से देखोगे तो यहाँ देखो ये पॉइंट है, मैं अलग कर रहा हूँ, ये पॉइंट है, ये पॉइंट जब टच होता है तो नीचे वाली पत्ती का करंट ऊपर वाली पत्ती में आ जाता है। दूसरा जो ये यहाँ रिपट लगी हुई है ऊपर वाली पत्ती का, जो ये दूसरा पॉइंट यहाँ आके इस पे टच होता है, यहाँ से करंट चलेगा इस पॉइंट से, इधर वाले से जहाँ मैंने उंगली रख रखी है, यहाँ से चलेगा इस पॉइंट पे आएगा, इससे कॉइल में यूं घूम के करंट, ये नीचे वाली जो पत्ती है इस पे करंट आएगा, और इससे यहाँ जो पॉइंट इसमें टच है इस टच से ऊपर वाली पत्ती में आ जाएगा, ऊपर वाली पत्ती इससे यहाँ से टच है, ये देखोगे तो ये यहाँ दूसरी पॉइंट पे यहाँ करंट आ जाता है। तो ये एक सर्किट कम्प्लीट हो जाता है। जब ये चालू होता है तो ये पॉइंट दोनों टच रहते हैं, और जैसे ही इसमें करंट आएगा, करंट आएगा तो क्या होगा, क्या ये जो कॉइल है इसमें मैग्नेट बनेगा, चुंबक बनेगा, चुंबक बनेगा तो इसमें क्या होता है, ये प्लंजर होता है, ये लोहे का होता है, इस प्लंजर को क्या करेगी, ये चुंबक इसको अंदर की तरफ खींचेगी, अंदर की तरफ खींचेगी तो ये जो पॉइंट है, ये जो आपको सीट दिख रही है, ये जो वाली सीट है, जो ये सीट है, ये जाके इस नीचे वाली पत्ती के यहाँ टच हो जाती है। और जैसे ही चुंबक इसको नीचे खींचती है तो ये क्या करती है, इस पत्ती को यूँ दबाती है तो यहाँ से ये डिस्कनेक्ट हो जाती है, करंट जाना बंद हो जाता है। जैसे ही करंट जाना बंद हुआ, बंद होते ही क्या होगा कि यहाँ चुंबक बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि कॉइल को करंट नहीं मिलेगा, यहाँ से कट हो जाएगा, कट होते ही चुंबक क्या है बनना बंद होगा, बंद होते ही क्या होगा, ये प्लंजर वापस ऊपर उठेगा। प्लंजर जैसे ही वापस उठेगा तो प्लंजर को इसी पत्ती ने यहाँ से दबाया, इसने प्लंजर के ये साइड में, या इसने यहाँ से दबाया है, दबाने से यह क्या है, पत्ती डिस्कनेक्ट हुई थी,
जब यहाँ करंट मैग्नेट बनना बंद हुआ, बंद होते ही क्या होगा, पत्ती ऊपर आएगी, वापस इस पॉइंट से टच होगी, टच होती वापस करंट चालू होगा, और करंट चालू होने से फिर मैग्नेट बनेगा, फिर ये प्लंजर फिर नीचे चला जाएगा। ये बार बार प्रतिक्रिया इसमें होती रहती है और इतनी स्पीड से होती है कि तब इसमें वाइब्रेशन, यहाँ इस डायफ्राम में वाइब्रेशन पैदा होगी, वाइब्रेशन पैदा होने के कारण इसमें आवाज़ पैदा हो जाती है। और यहाँ जो ये गैप है, इसमें गैप जो होता है, गैप सेट करने के लिए ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है, ये पॉइंट, ये ऊपर एडजस्टमेंट वाला ये जो स्क्रू लगा हुआ है इससे है, इसको अपने टाइट करते हैं तो ये ऊपर वाली पत्ती को इधर से उठा देता है, तो यहाँ का गैप क्या है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। जितना गैप कम रखोगे उतनी वाइब्रेशन ज़्यादा, जितना गैप ज़्यादा रखोगे उतनी वाइब्रेशन कम होगी, इस हिसाब से ये बजता है। ज़्यादातर इसमें खराबी जो आती है ये इसी पॉइंट पे आती है, इस पॉइंट में कार्बन जम जाता है, जो ये दो पॉइंट लगे हुए हैं इन पॉइंट में कार्बन लग जाता है। तो आपको इसमें यूँ नीचे दबा लेना है और कोई रेगमाल ले लेना है, रेगमाल लेके यूँ फंसा के इसको अच्छी तरह से ऊपर से साफ़ कर देना है, नीचे से साफ़ कर देना है। इसमें क्या है, आजकल रिपटें आने लग गई है, रिपटें लगी हुई है इसमें, पहले यहाँ नट लगे होते थे, आजकल रिपटें आ गई। नट क्या के कारण क्या होता था कि यहाँ वाइब्रेशन होती थी तो वो खुल जाते थे, लूज हो जाते थे, उसकी वजह से यहाँ क्या है रिपटें देने लग गए। तो एक तो ये पॉइंट है, इसका ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ और मैं इसमें और बता देता हूँ, ये जो दो तार निकली है यहाँ, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इसको कैपेसिटर को, अगर आप इस कैपेसिटर को हटा भी देते हो तो भी हॉर्न बजेगा, हॉर्न में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कैपेसिटर इसलिए लगा होता है कि आपकी अगर बैटरी लो हो गई, बैटरी आपके बाइक की लो है, तो आप हॉर्न बजाओगे तो बैटरी डेड है या लो है तो ये हॉर्न कम बजेगा। अगर ये कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगने की वजह से क्या होगा, आपका हॉर्न बैटरी अगर लो भी है तो भी पूरी आवाज़ में हॉर्न बजता रहेगा। अगर इस कैपेसिटर को हटा दोगे तो आपका हॉर्न तो बजेगा, अगर बैटरी डाउन हो गई तो फिर हॉर्न ये आवाज़ कम देगा, पूरी तेज़ आवाज़ नहीं निकालेगा, इसलिए इसमें ये कैपेसिटर लगाया जाता है। और कैपेसिटर ऊपर वाली पत्ती और ये नीचे वाली पत्ती, इन दोनों में होता है। इसको ये कैपेसिटर होता है, ये एनर्जी स्टोरेज डिवाइस ही है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ उसकी, ये जो नीचे वाली पत्ती है इसके ऊपर फैब्रिक, कई बार पत्ती लगी होती है इस पर नहीं होती, तो इस पर यहाँ पर लगी होती है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ डायफ्राम के ये जो प्लंजर है, इसके यहाँ पे देखोगे तो ये देखो ये लगी हुई है, इसमें कई बार ये पत्ती लग के यहाँ से ये कट हो जाता है। देखो ये यहाँ से कटा हुआ है, आपको दिख रहा हुआ है निशान, तो ये कटा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि इस पत्ती में करंट होता है, जब वो यहाँ से करंट आएगा तो यहाँ से इस पॉइंट से इस पत्ती में जाएगा तो यहाँ करंट होगा। वो करंट अब अगर इसमें, यहाँ ये लोहे की होती है और ये फाइबर की वाफर लगी होती है इसमें, फाइबर इसमें ये करंट रोक दी होती है, करंट इसमें पास नहीं होता, यहाँ से ये कट जाती है तो ये बॉडी के टच करने लग जाती है, बॉडी के डगे से टच होगी तो बॉडी में करंट आने लग जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब आप इसमें कंटिन्यूटी चेक करो, जब भी मल्टीमीटर चेक करो आप मल्टीमीटर से, तो जब आप कंटिन्यूटी चेक करो तो इस पे भी लगा के चेक कर लिया करो कि इसकी बॉडी में कहीं करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, बॉडी में करंट नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना। या इधर से भी आप टच करके देख सकते हो। और दूसरा जो ये डायफ्राम चेक करो, तो डायफ्राम में जो ये चीज़ है और इस चीज़ को, इन दोनों को चेक करना है कि बॉडी में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये चीज़ आप चेक कर लो। बॉडी में अगर करंट आता है तो भी आपका हॉर्न सही नहीं बजेगा, ये ध्यान रखना। अगर ये कटा हुआ पीस यहाँ दिख रहा है आपको, ये पत्ती यहाँ लग के ये कट गया है, यहाँ से कटा हुआ है, तो कटे हुए स्थान पे जब आप फिट करो तो ये कटे हुआ वाला भाग इस पत्ती पे ना आए, इस पत्ती पे ना आए, थोड़ा सा इसको घुमा के, यूँ घुमा के दूसरी साइड से लगा देना, जो ये साइड आ जाए, ये सिर्फ बॉडी में करंट ना आए इसके लिए यहाँ लगी होती है। कई बार तो क्या होता है कि इसमें यहाँ लगी होती है, कई बार इस प्लेट, इस पत्ती और इस पत्ती के बीच में यहाँ लगी होती है, तो ऊपर से टच हो तो ये करंट इसमें ना आए, ये इसलिए होती है। अब आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब मैं दूसरे हॉर्न के बारे में बताता हूँ, ये सील बंद हॉर्न है, इसमें सारा जो सिस्टम है वो ये क्या, यही है, यही सिस्टम है, कोई इसमें अलग नहीं है। इसमें फ़र्क क्या आएगा, इसमें ये खुलता नहीं है, खोलोगे तो यहाँ एक यूँ इसको पत्ती को उखाड़ना पड़ेगा, उखाड़ के फिर इसको अलग करना पड़ेगा, फिर बाद में सेटिंग सही नहीं आएगी। तो इससे अच्छा है कि ये
इसमें एडजस्टेबल जो स्क्रू लगा होता है, ये स्क्रू, ये देखो यहाँ से सील किया हुआ है, ये सील हटा देनी है यहाँ से। और जब सील हटाओगे तो इसके नीचे भी आपको एडजस्टेबल ऐसा ही स्क्रू मिलेगा। इस स्क्रू को आपको क्या करना है, खोल लेना है पूरा का पूरा, जैसे भी खोल के, और मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो ये बंद बॉडी वाला है उसके लिए बता रहा हूँ आपको। ये जो स्क्रू है एडजस्टेबल स्क्रू है, अब खोल लोगे तो इसके नीचे ये छेद दिखाई दे रहा होगा। अब आपको ये छेद दिखाई दे रहा है, ये छेद यहाँ आ गया, तो इसमें क्या करना है, जो ये जो बंद वाला है इसमें इसका ये एडजस्टेबल वाला ऐसे खोल लेना आपको, उसके नीचे ये छेद होगा, उसमें क्या करना है आपको, या तो पेट्रोल या डीजल कोई चीज़ इसमें डाल के यहाँ पे इस जगह डाल के और इसको हिला लेना है। हिलाने से क्या होगा, तो ये दोनों पॉइंट जहाँ यहाँ कार्बन आया होगा तो ये कार्बन यहाँ से निकल जाएगा और आपका हॉर्न बजने लग जाएगा। और इसको दो तीन बार हिलाए लो कि साफ करके वापस ये एडजस्टेबल स्क्रू आपको लगा देना है और फिर आपको चेक करना है। और आवाज़ सही नहीं हो तो एडजस्ट से आप उसको सही कर सकते हो। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।